गौर करेंगे वही कथा के प्रसंग की तरफ। भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को तैयार कर लिया है, पूरी पकवान गाड़ियों में भर भर के लेकर के चले हैं, नए नए वस्त्र पहन करके सभी ब्रजवासी पूजन करने के लिए। तो आप भी सभी तैयार हो जाएं, तालियां बजा करके सभी पूजन करने के लिए नाचते गाते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज यजपति महाराज, इनकी धर्म पत्नियां दोनों लोग खड़े हो जाएं, चारों लोग सबसे पहले ये लोग पूजन करेंगे भगवान गोवर्धन का। तालियां बजा करके सभी बोले माताएं, आप लोग पूजन करें, और माताएं
इनके बाद कलश वाली कन्या करेंगी और वरुण देवता और एक एक करके सभी भाई बंधु सभी माताएं बहने गोवर्धन भगवान का पूजन करें। पहले ये लोग करें उसके बाद में भीड़ न लगाए। अभी कलश वाली बिटिया बैठी रहो, तुम बैठी रहो, आप बैठ जाओ, 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 जाओ। क्या नाम बताया? क्या उस पर लिखा है बताओ? तब तो हो गया भैया, नहीं है तो पास नहीं लेते ऊपर चढ़ते। जामुना है तो तुम्हारे लिए वो कच्चा फिर दोबारा से लिख रहे थे। तालियां बजा करके सभी माताएं बोलेंगी, सभी गोपी ग्वाल नाचते कूदते हुए भगवान गोवर्धन का पूजन करने के लिए चले हैं। साथ में दक्षिणा ले जाना, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूर्ण पूजन जो होता है वो पूरा नहीं होता। तो एक रखें, जितनी भी आपकी गुंजाइश हो उतना जरूर रखें। और वैसे तो वो कहना है कि परिचित और ये दीपति बल्कि चारों लोग 500 रुपए रखें और दोनों लोग पति पत्नी मिला करके 1000 रुपए रखें। बस हमने कम कर दिए, एक नोट कर दिया। अब तो और फिर चारों लोग एक नोट मिला के रख लो, मतलब 2000। तो एक ही नोट रख लो 2000 वालों, बस एक नोट से काम है जाएगा। ज्यादा से कम ना रखियो परिचित यद्यपति जी। तालियां बजा करके बोलेंगे सभी माताएं कि मैं तो